तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिए तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्निल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। अगर ये गलत काम बंद नहीं किए ना, तो ये नया दोस्त ही तुम्हें सबसे भारी पड़ने वाला है। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। क्या आपके इन हालात में जरूर सुधार आएगा, हर नल में पानी होगा। तुम्हारा मतलब है कि हर कोई अपने हालात सुधारने के लिए बुरे काम शुरू कर दे? सर, हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। कुछ लोगों की मदद करके तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा बन गए? हमारी पार्टी ने आप ही के एक हमदर्द को चुना है, और वो है सुल्तान मिर्जा। जवाब मिल गए मीर साहब, या कोई और सवाल है मन में? मैं जब बचपन में भाषण सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूं और भाग जाऊं। लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर कभी अमीरों ने जमघट नहीं लगाया, गरीब ही हमेशा खींचे चले आते हैं, ये सोच के कि आज उनके मतलब की बात होगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, वो बोलकर चुप हो गए और हम चिल्लाते रह गए। एग्नेल साहब, सर, सुल्तान को यही मारने का प्लान है। क्या? शोएब। सुल्तान पीछे नहीं हटेगा, हमें शोएब को ही रोकना पड़ेगा। सोहेब, तुम जाके वहां डेस्क के सामने खड़े रहो और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अपने आदमी को लेके पीछे से आओ। आजादी तो सिर्फ अमीरों को मिली है, बाकी सब आज भी गुलाम है। पहले अंग्रेजों के थे, अब गरीबी के हैं। हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती, कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पे भी मिलती हैं। हम सब उन किताबों में से हैं। आज तक आप लोगों ने मेरे यहां फरियाद तब की जब आपकी किसी ने ना सुनी, ना पुलिस ने, ना सरकार ने। उन सब के बाद आप मेरे पास आए, लेकिन अब आप सबसे पहले मेरे पास आ सकते हैं। अम्मी अम्मी, मुझे पिस्तौल चाहिए। घर पे है ना बेटा? अम्मी, मुझे वो चाहिए। मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं, तेवर नहीं। सारी जगह सील कर दो। कौन है साथ? सर, कह रहा था दो लोग हैं, दोनों मिल गए, खतरा टल गया सर। जब तक शोएब है खतरा है। दोनों पकड़ा गया, प्लान फेल, अब सुल्तान को धर नहीं मार सकता। मैं आया यहाँ
अपने लिए जरूर था, लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते मुझे भी नींद नहीं आएगी। चलता हूं, दुआ में याद रखना। रेहाना जी को बुलाइए।